गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड में लेसन 9 पढ़ेंगे, पार्ट 9। वो है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आपके यहाँ देखो, क्रिया में यह फोटो दिए हुए इस वाले में, इसमें हर इंसान अपना अलग अलग कार्य कर रहा है। जैसे पक्षी क्या कर रहा है? उड़ रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? तैर रहा है। और ये लेडी जो है, ये वो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। और ये जो छोटी बच्ची, वो क्या कर रही है? कपड़े सुखा रही है। और चलना आदि सभी ये क्या है? काम करने या होने के बारे में बता रहे हैं। हम एक बार फिर से क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के बच्चों, इसमें देखो, ये जो फोटो दिख रहा है इस बच्चे का, वो क्या कर रहा है? नहा रहा है। और ये नहा रही है, तो क्रिया में भी लिंग तथा वचन का प्रभाव पड़ता है। बच्चा दौड़ रहा है और ये एक से अधिक बच्चे हैं, जिसको हम बोलेंगे बच्चे दौड़ रहे हैं। तो बच्चा एक वचन है, तो यहाँ इसमें एक बच्चे का भी दौड़ना, और बहुवचन में एक से अधिक बच्चे के लिए हम क्या बोलेंगे? बच्चे दौड़ रहे हैं। एक बच्चा होगा तो हम क्या बोलेंगे? बच्चा दौड़ रहा है। अब इसमें एक बार फिर से क्रिया की डेफिनेशन को दोहराया गया है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्य में क्रिया शब्दों को हमें रेखांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में शेर जंगल का राजा है, तो यहाँ क्रिया क्या आएगी? है। गाय घास खा रही है, तो गाय क्या कर रही है? खा रही है। मोहन पत्र लिख रहा है, तो क्रिया क्या कर रहा है? मोहन लिख रहा है पत्र को। खरगोश भाग रहा है, तो खरगोश की क्रिया क्या बताइए? यहाँ भागना, तो भाग रहा है कि नीचे हमें अंडरलाइन करना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं कि नीचे हमें अंडरलाइन करना है। राधा नाच रही है, राधा क्या कर रही है? नाच रही है, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से आपको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है, तो पढ़ना और जाना, जाना में तो पहले से गोला लगा हुआ है, हमें पढ़ने पर लगाना है। सेकेंड लाइन में हमें उठना और जागने पर लगाना है। थर्ड लाइन में लिखना और गाने पे हमें गोला लगाना है। फोर्थ लाइन में हमें नाचना और पढ़ने पे गोला लगाना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले वाला बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे पढ़ना। सेकंड नंबर में जो फोटो दिया है बच्चे का, वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो उसमें लिखेंगे हम खाना। थर्ड पे जो फोटो दिया है वो क्या कर रहा है? सो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम सोना। और फोर्थ नंबर पे जो बच्चे का फोटो, वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम दौड़ना। इसी तरह से नीचे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम खेलना। और इसके पास जो फोटो दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रही है? लड़की देखना, क्या कर रही है? वो टीवी को देख रही है। ये बच्चा क्या कर रहा है? चल रहा है, तो इसको लिखेंगे हम चलना। और इस बच्चे का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है? रो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम रोना। क्वेश्चन नंबर 4 के क्रिया किसे कहते हैं? तो हमने क्रिया की परिभाषा आगे पढ़ ली, लेकिन इसमें फिर से लिखेंगे इसके आंसर में। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं।